नून सिंध के सदर शाह मोहम्मद शाह और सेक्रेटरी सलीम जिया भी शामिल थे। मुलाकात में कराची समेत सिंध भर से मुस्लिम लीग नून के मुतवक्के उम्मीदवारों और इत्तेहादियों पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुस्लिम लीग नून शाह मोहम्मद शाह, जनरल सेक्रेटरी सलीम जिया ने ब्रीफिंग दी। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि मुस्लिम लीग नून अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए कोशा है और रहेगी। सिंध के हुक्मरानों ने कराची समेत सूबे के अवाम की कोई खिदमत नहीं की। कराची समेत सिंध अपनी बर्बादी पर नोहा किना है। उनका कहना था कि सिंध और कराची की हालत जार देखी, जिससे बेहद दुख हुआ। अवाम ने मौका दिया तो कराची समेत सिंध को लाहौर और पंजाब जैसा बना देंगे। इस मौके पर लीगी रहनुमा शाह मोहम्मद शाह का कहना था कि पंजाब ने शहबाज शरीफ की क्यादत में हैरत अंगेज तरक्की की। तरक्की सिंध और दीगर सूबों के लिए रोल मॉडल की हैसियत अख्तियार कर चुकी है। सेनेटर सलीम जिया का कहना था कि शहबाज शरीफ ने अवाम की खिदमत के लिए दिन रात एक करके लोगों के दिल मोह लिए।